Hello students, आज हम पढ़ेंगे लेसन वन द फर्स्ट द फन दे हैड क्लास नाइन्थ. मार्गी वन रूट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा था. ऑन द पेज हैड इट 17 में 2157 सी रूट उसने लिखा था. पेज के ऊपर सबसे ऊपर 17 मई 2157 टुडे टू मी फाउंड ए रियल बुक. आज टूमे को एक नई बुक वास्तविक बुक मिली है. इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक ये एक बहुत पुरानी किताब है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था. दैट व्हेन ही वॉज़ ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज ए टाइम व्हेन ओल्ड स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर कि एक समय था जब उसका दादाजी छोटा लड़का था तो सारी जो स्टोरीज थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली उन्होंने पेजों को पलटा जो कि पीले हो चुके थे और मुड़े हुए थे. एंड इट वाज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स और इनको पढ़ना थोड़ा मजाक ऐसा लग रहा था. दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग वो क्योंकि वर्ड्स थे वो वहाँ एकदम से स्टिल थे स्थिर थे हिलने की बजाय. द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन जैसे कि वो स्क्रीन पर रोज़ देखते थे स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स हैं वो चलते रहते थे. यू नो आप जानते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर और जब वो पेज को बदलते हैं तब इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट और इसके ऊपर वही सेम वर्ड्स मिलते हैं. दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम जिसको उन्होंने पहली बार पढ़ा था. गी सेड टू मी छी तो मैंने कहा व्हाट ए वेस्ट क्या बेकार का काम है. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक जब आप बुक पढ़ लेते हो यू जस्ट थ्रो इट अवे तो आप उसको फेंक देते हैं. आई गेस मेरा अनुमान था आप टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कम से कम मिलियन लाखों बुक होंगी. ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर और इससे भी ज़्यादा आ सकती है. आई वुडंट थ्रो इट अवे और मैं इसको कभी नहीं फेंकता. सेम विद माइन मेरे साथ भी ऐसा ही है सेड मार्गी. मार्गी ने कहा सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी हैड और वो 11 साल की थी और अभी तक उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टोमी ने देखी थी. ही वॉज 13 वो 13 साल का था. सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट उसने कहा उसने उससे पूछा तुम्हें ये कहाँ मिली. इन माई हाउस मेरे घर में. He pointed without looking because he was busy reading. और उसने सिर्फ बिना देखे इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था. In the attic. ऊपर what's it about? ये किसके बारे में. School. मार्गी was scornful. मार्गी ने एकदम से घृणा भरी नज़रों से देखा. School. What's there to write about school? वो school के बारे में क्या लिखेंगे. I hate school. मुझे school से नफरत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्ग हमेशा स्कूल से नफरत करती है. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर लेकिन अब वो इससे भी ज़्यादा नफरत करती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. मैकेनिकल टीचर है वो उसको बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा है. एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली और जब तक कि वो खराब से खराब करती जा रही थी जब तक कि उसकी माँ ने उसका सिर दुख से नहीं हिलाया. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर और उस जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको बुला नहीं भेजा. ही वॉज ए राउंड लिटल मैन विद ए रेड फेस वो एक गोल गोल व्यक्ति था लाल चेहरे वाला छोटा व्यक्ति था. एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स उसके पास एक औजारों का भरा हुआ एक पूरा बॉक्स था वायर्स तारों के साथ. ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल और वह मार्गी के ऊपर हंसा और उसको एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट और उसने अब टीचर को अलग कर दिया. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन मार्गी को ये उम्मीद थी कि वो नहीं जानता होगा इसको कैसे ठीक किया जाए दोबारा से कैसे सेट किया जाए. बट ही नो न्यू हाउ ऑल राइट परंतु वह अच्छी तरह जानता था. एंड आफ्टर एन ओवर और सो लेकिन एक घंटे के बाद कहते हैं देर इट वॉज अगेन और वो फिर से वहीं था. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली लंबा काला और भद्दा विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर सोन एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर जहाँ सभी लेसन दिखाए गए थे. एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड और
सवाल थे वो पूछे गए थे. दैट वाजंट सो बैड, जो जितने बुरे नहीं थे. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. कहते हैं जिस पार्ट से मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो था उसका होमवर्क का जो दरार थी वो थी, और जहाँ वो टेस्ट पेपर्स रखती थी. सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसको वो हमेशा एक पंच कोड के रूप में लिखती थी. दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज सिक्स इयर्स ओल्ड, उसको याद करवा दिया गया था जब वो छः साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल यांत्रिक अध्यापक था वो कुछ ही समय में उसके जो मार्क्स थे वो कैलकुलेट कर देता था, बता देता था गिन करके. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और इंस्पेक्टर था वो हंसा और जब उसने काम पूरा कर दिया तो मार्गी का हेड सिर था वो थपथपाया. सी ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का दोष नहीं है मिसिस जोन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरा अभिप्राय है कि जो ज्योग्राफी का विभाग है वो थोड़ा सा ढीला हो गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको 10 साल के बच्चे के लेवल तक धीमा कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और कहता है कि अब वास्तव में इसकी जो प्रोग्रेस का जो पूरी तरह से जो पैटर्न है वो एकदम संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर मार्गी का सिर था वो थपथपाया. मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थी वो निराश हो गई. सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उनको उसको ये उम्मीद कर रही थी मार्गी कि वो टीचर को ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टोमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वो टोमी के टीचर को एक महीने के लिए ले गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो विभाग था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था. सी सेड, सो सी सेड टू टोमी, इसलिए उसने टोमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हर कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है. माजिस के साथ साथ जितना लेसन मैंने करवाया उसमें जितने वर्ड मीनिंग साथ साथ आए वो साथ साथ वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ. क्रिंकली का मतलब होता है, मीनिंग होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, जिसके अंदर बहुत से फोल्ड्स होते हैं या फिर लाइनें बनी हुई होती हैं. क्रिंकली का मतलब पेजों में जैसे भी जितने भी फोल्डिंग होते हैं उसको क्रिंकली कहा जाता है. एटिक होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यानी कि अटारी कहा जाता है. एटिक का मतलब होता है यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इनकी छत से नीचे एक छत से बिल्कुल नीचे ही एक ऊंची जगह होती है, एक स्टोर रूम के तौर पर उसको यूज किया जाता है, कोई चीज़ रख दी जाती है इसके ऊपर. स्कॉर्नफुल होता है कंटेम्पचुअस, सोविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, आपको ये दिखाए कि ये चीज़ इनकी, उसको एक तरह से नफरत भरी निगाहों से देखना ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए क्या है, यूजलेस है, वर्थलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है. स्लोट होता है एक गिवन स्पेस, एक जगह देना, दरार देना, टाइम और पोजिशन, खाली जगह होता है स्लोट का मतलब. गियर्ड होते हैं एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, इनके एक लेवल पर उसको एडजस्ट कर देना, स्थिर कर देना इनके एक जगह के ऊपर. लोफ्टली होता है इन ए सुपीरियर वे, एक बढ़िया अंदाज के अंदर. थैंक यू गाइस.